Good evening, everyone. This is Sonia Kaushik, and we are doing our chapter Biomolecules, and this is lecture number 4. And today we are going to discuss structure of proteins and different types of bonds present in different types of biomolecules, right? चलिए. So we have discussed in lecture 3. Lecture 3 में हमने discuss किया proteins के बारे में, polysaccharides के बारे में, and we have also discussed nucleic acids, I think. आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. बेटा आप सभी को पता है प्रोटीन आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स. क्या है? प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स. देखिए मैंने आपको बताया मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो किसी छोटी सब यूनिट से बने हो, जैसे कि अमीनो एसिड्स, मोनोमेरिक. मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या है मोनोमेरिक यूनिट? अमीनो एसिड्स. ठीक है, जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं, व्हेन दीज अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, देन वी विल कॉल इट अ प्रोटीन. हम कहेंगे कि प्रोटीन है, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड. राइट, क्या कहेंगे? प्रोटीन, या हम उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड. अब यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहे बच्चों आपको? अमीनो अमीनो एसिड्स, राइट. और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, दिस बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर इन दिस पॉलीसेक्राइड? वन पॉलीपेप्टाइड, सॉरी, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. तो इस ये जो आपको पॉलीपेप्टाइड नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने अमीनो एसिड है? एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल फाइव अमीनो एसिड्स अगर हैं, example 5 amino acids, so how many peptide bond are there? 1, 2, 3 and 4. 5 amino acid agar polypeptide ke andar hain, 5 amino acid in a polypeptide, agar 5 amino acid hain, iska matlab hai peptide bond kitne hain? Peptide bonds kitne hain? 4. Peptide bond kitne hain? 4. So this is very very important. Sometimes they can ask in neat exam कि सपोज 100 अमीनो एसिड्स आर देयर, 100 अमीनो एसिड्स और 50 अमीनो एसिड्स आर देयर, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. सो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर देयर? सो 50 अमीनो एसिड डजंट मीन 50 पेप्टाइड बॉन्ड, 50 अमीनो एसिड मीन्स वन लेस, दैट मीन 49 पेप्टाइड बॉन्ड. गॉट इट स्टूडेंट्स? चलिए. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि जितने अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के अंदर होंगे, दे आर नॉट सिमिलर, वो सेम नहीं है. That's why these are called heteropolymers. Very very important. Proteins को क्या कहेंगे? Heteropolymer कहेंगे. क्यों कहेंगे बेटा? Different amino acids are present. Different amino acids are present. Okay? Different amino acid present होते हैं यहाँ पर. Structure हमने basic structure पिछली बार भी किया था, और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा remind करा देती हूँ. One alpha carbon is there, और एक तरफ यहाँ पे carboxyl group होगा. One side we have amino group, ठीक है, and we may have R group that may be variable, और एक side होगा H. So this carbon is called alpha carbon. ये alpha carbon कहलाएगा. तो चारों तरफ जो groups लगे हैं that are different. और अगर R भी, R की जगह भी क्या हो जाए H, तो that is glycine, simplest amino acid हमने किया था. Glycine के case में कोई और functional group नहीं है, H ही है, तो that is more simplest amino acid. Got it? चलिए बच्चों. तो द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर इन वेरिएबल रेफर टू मॉलिक्यूलर फार्मूला. आप NaCl सॉल्ट है, MgCl2 दैट इज ऑल्सो सॉल्ट. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें अलग अलग, जैसे बेंजीन इज अ सिक्स कार्बन रिंग, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, नेफ्थलीन हैविंग डबल रिंग स्ट्रक्चर. तो यू कैन सी द केमिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर एट फोर लेवल्स. आज हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. सो वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन हेयर. सो वी हैव डिफरेंट लेवल लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थ्री स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे. Structure of proteins. Structures of proteins that may be
primary structure, that may be secondary structure, that may be tertiary structure, and that may be quaternary structure, right? So there may be three types of structure. This is primary structure of protein. We are going to discuss one by one. Sabhi ko discuss karenge aaj. This is secondary structure. This is tertiary structure. And this is quaternary. Quaternary structure. Got it? So we are starting our topic from primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अमीनो एसिड्स आर जस्ट फॉर्मिंग अ लीनियर चेन. अमीनो एसिड सीधा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं और एक लीनियर चेन बना रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो इसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर. अमीनो एसिड्स है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहां जुड़े हैं, तो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा हेलिकल फॉर्म में, लाइक दिस इज गिवन इन दिस डायग्राम. अगर अमीनो एसिड ओनली सिंपल अमीनो एसिड जुड़े हैं लाइक सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड अगर ये सिंपल लीनियर चेन में है तो हमने बताया क्या स्ट्रक्चर कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर. लेकिन अगर वो हेलिकल फॉर्म में है, नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, सो दैट मे बी हेलिकल फॉर्म एंड दैट मे बी बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म. ओके, तो हेलिकल फॉर्म की बात करें, यू कैन सी हेलिकल फॉर्म हियर, दैट मे बी अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. एंड अगर ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर राइट हैंडेड है तो अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड है तो इसको हम बीटा हेलिक्स भी बोल सकते हैं. दिस अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन. ओके, एक और बीटा प्लेटेड शीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बीटा प्लेटेड शीट्स की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अमीनो एसिड्स की इस तरह से जिगजैग मैनर में आपको चेन दिखाई देगी एंड दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. कैसे जुड़े हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ दो सल्फर मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड में है तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड. गॉट इट? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म. दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दिस इज लाइक दिस इज बीटा हेलिक्स गिवन है, दिस इज अल्फा हेलिक्स एंड दिस इज बीटा हेलिक्स. दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात देखें बच्चों, हाईली फोल्डेड. टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? टर्शियरी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है? हाईली फोल्डेड. हाईली फोल्डेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अ 3D एंड इट विल अपियर लाइक अ वुलन बॉल. ठीक है, वुलन बॉल की तरह कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो प्रोटीन भी है दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. अभी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की जो बात की उसमें से बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन कौन सी है बच्चों? टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक है,
टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है. दैट मीन्स जितने भी एंजाइम्स, हॉर्मोन जो भी एक्टिव फॉर्म में है, हम बात करेंगे प्रोटीन में भी प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोटीन में भी एंजाइम्स, राइट? तो एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं, तो जो भी हैं उन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर. और कैसा है, मैंने आपको बताया हाईली फोल्डेड है, और 3D स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलेंगे, हाईली फोल्डेड है. एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन और बॉन्ड, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टर्शियरी प्रोटीन. क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइंड है, टू और मोर देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर लाइक हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, डू यू नो हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड. रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट. एंड इट दिस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. हीमोग्लोबिन किससे बना है बच्चों? हीमो, हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. दो कंपोनेंट से मिला है, आयरन एंड प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन की यहाँ फॉर्म है, ग्लोबिन फॉर्म, दिस इज हाईली फोल्डेड जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है. तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर दो अल्फा चेन है हमारे पास, और दो कैसी चेन है, बीटा. सो इफ वी टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, सो देर इज टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन, या टू अल्फा सब यूनिट्स एंड टू बीटा, तो टोटल फोर सब यूनिट्स, टोटल फोर सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन दैट इज द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अवर आरबीसी एंड दैट गिव्स रेड कलर टू अवर ब्लड. इट हैव टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन, टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स आर देयर, गॉट इट? थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज गिवन हियर. देखिए, यस, टेक रेड कलर हियर, अंडरलाइन, यस. सो इफ यू सी, लेट मी टेक, एंड नॉर्मली इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लाइक दिस इज प्रोटीन, प्रोटीन लाइक दिस इज प्रोटीन, लाइक सिंपल प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन चेन, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पर जुड़े हैं. तो दिस इज एन टर्मिनल. एक टर्मिनल को क्या कहेंगे, जहाँ पर अमीनो ग्रुप लगा होता है ना, NH3 जहाँ पर होगा उसको एन टर्मिनल कहेंगे, और जहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप वो लगा होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल. यहाँ पे COH ग्रुप लगा है, तो ये दिस इज सी टर्मिनल, सी टर्मिनल, कितना टर्मिनल, वॉट इट. तो यही चीज यहाँ पर डिस्कस किया. If you imagine a line as a protein, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें, तो देर इज एन टर्मिनल, एंड अगर सेकेंड एंड की बात करें, सो दैट इज सी टर्मिनल. एन टर्मिनल पे अमीनो ग्रुप होगा बच्चों, एंड सी टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट? और अगर इसी थ्रेड को आप हेलिक्स के फॉर्म में कर दें, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसको वुलन बॉल की तरह अगर आप इसको, या हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर अगर दिखा दें, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो ये हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है. ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड हो सकते हैं अल्फा या बीटा, बट ओनली राइट हैंडेड स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व इन प्रोटीन. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. और मैंने आपको बीटा प्लेटेड शीट्स भी बताई सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. टर्शियरी स्ट्रक्चर होलो वुलन बॉल की तरह है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जितने भी हैं बेटा, वहाँ पर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अगर ये प्रोटीन्स असेंबल हो जाते हैं, इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन में या सब यूनिट्स में बच्चों, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. वो जो आपको एक स्ट्रक्चर्स नजर आएगा जहाँ दो या दो से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है. चलिए, तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टॉपिक क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. चलिए, नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन अ मोनोमर, लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर. देखिए, अभी तक हमने बात की प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की बात की, तो प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड है बच्चों,
पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। देन हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहे या लिंकेज हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात की, एंड न्यूक्लिक एसिड वी हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर। तो इन जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके अंदर आयनिक एक्स्ट्रा कौन से बॉन्ड रहेंगे, आयनिक आयनिक इंट्रैक्शन भी इनके अंदर होती है, ठीक है। और आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रोटीन्स के अंदर देखे, ठीक है, प्रोटीन्स में आपने देखे डाइसल्फाइड लिंकेज भी है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी आपने देखे, और आपने डीएनए के अंदर या न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए, वहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो देयर। तो दीज आर द मेन बॉन्ड, जैसे प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इन कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड मोनोमेरिक यूनिट जो है दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें सो इन दैट न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर बेसिक सब यूनिट दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बट इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दैट मे बी आयनिक इंट्रैक्शन, दैट मे बी डाइसल्फाइड लिंकेज लाइक इन प्रोटीन्स यू हैव सीन, और डीएनए के अंदर तो मैंने आपको बताई दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कुछ तरह की बॉन्डिंग है जो प्रेजेंट होती है, ओके। तो प्रोटीन्स में हमने बात की कौन से बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में एंड अमीनो ग्रुप के बीच में। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम हियर, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, लाइक दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, वी हैव अमीनो ग्रुप हेयर, एंड एक मैंने आपको बताया वेरिएबल आर ग्रुप है, एंड वन इज एच, ओके। दूसरा अमीनो एसिड बात करते हैं, ये दिस इज वन अमीनो एसिड राइट, एक और अमीनो एसिड की बात करते हैं, अगेन अल्फा कार्बन जिसकी दोनों ही एंड डिफरेंट है, और दिस इज आर ग्रुप हेयर, कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप सी एच थ्री एच कुछ भी हो सकता है। आप देखिए बेटा पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन दिस सी टर्मिनल ऑफ वन अमीनो एसिड एंड एन टर्मिनल ऑफ, दिस इज एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है, और ये क्या है बच्चों, सी टर्मिनल, गॉट इट। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में देखिए बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाए तो किस तरह का बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ दिखा सकते हैं आप यहाँ से, ये वाला एच ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आप दिखा सकते हैं, और यहाँ से एन सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे दिखा सकते हैं एच, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एच टू ओ देखिए, दिस इज एच टू ओ यहाँ से निकल गया आपके पास, और यहाँ रह गया एक एन, तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं पेप्टाइड, ठीक है। ऐसे मैंने आपको डीएनए, अच्छा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में आपने देखा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, ठीक है, दिस इज वन ग्लूकोज, अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है आपके पास, तो हमने बात की थी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो यहाँ पे सी एच टू ओ एच होता है, ठीक है, 6 कार्बन। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में जब होगा दिस इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अगर इस तरह का बॉन्ड होगा दो अमीनो एसिड दो ग्लाइकोस मोनोसैकेराइड्स के बीच में, सो दिस इज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड अगर हम बात करें डीएनए आरएनए की, तो हमें बात पता है कि बैकबोन बनी है फॉस्फेट शुगर, और बीच में वी हैव नाइट्रोजिनस बेसिस राइट, लाइक ए बॉन्डेड विद टी। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा बेटा, फॉस्फेट शुगर दैट इज राइबो शुगर, फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, अनदर न्यूक्लियोटाइड विल बी हियर। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आपको नजर आएगा दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके, एंड बीच में जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में वो हमारे पास कैसे हैं, बॉन्ड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए के अंदर, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने कौन से किए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
एंड फिर हमने बताया न्यूक्लिक एसिड्स किस फॉर्म में अवेलेबल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में. ये आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. गेव दिस स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था 1954 में. ओके, 1954 में उन्होंने ये मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक. तो यहाँ पर दो डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं, लाइक वन स्ट्रैंड इज हैविंग 5' to 3' डायरेक्शन एंड अदर स्ट्रैंड इज हैविंग 3 to 5. तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स यहाँ पर है. फॉस्फेट शुगर की बैकबोन है, नाइट्रोजनस बेसिस बीच में है इंटरकैलेटिंग फॉर्म में. आपको पता है ए ऑलवेज कंबाइंड विद टी दैट हैविंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी हमेशा किसके साथ कंबाइन करता है, सी के साथ. जी क्या है यहाँ पे देखिए, ए इज एडिनिन, जी इज ग्वानिन, सी क्या है यहाँ पे साइटोसिन, टी क्या है थायमिन, यूरैसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए. तो बच्चों देखिए, दीज टू आर प्यूरिन्स. ये क्या है यहाँ पे प्यूरिन्स, एंड सी एन टी दीज आर पायरामिडिन्स. ये क्या है पायरामिडिन्स, यहाँ देख सकते हैं पायरामिडिन. तो आप देखिए, वन प्यूरिन विल बेस पेयर विद पायरामिडिन, अदर प्यूरिन विल बेस विद अनदर पायरामिडिन. राइट, प्यूरिन और पायरामिडिन के बीच में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एंड पायरामिडिन्स हैव अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. सिंगल रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट में. एंड ईच स्टेप, अगर हम एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, अगर हम उनकी बात करें, लाइक दिस इज 5 to 3' एंड दिस इज 3' to 5'. टॉक अबाउट द एसेंट ऑफ ईच स्टेप, कितना नाइट्रोजिनस बेसिस में ईच स्टेप में कितना जो है डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा. सो एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न 36 degrees. Every turn is around 36 degree, right? And if we see the pitch, that is 34 angstrom. This is pitch, right? This is 34 angstrom. And the rise per base pair, like A, T, G, C. This is rise per base pair. ये जो rise per base pair है, this is 3.4 angstrom. And we have three types of DNA. कितने types के DNA बच्चों हमारे पास? Three या उससे ज़्यादा तरह के DNA, like ए डी एन ए, बी डी एन ए, जेड डी एन ए. मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप है बी डी एन ए. बी डी एन ए क्या है? मोस्ट कॉमन है. और ए डी एन ए कहाँ पे मिलता है? एनहाइड्रेटेड कंडीशन में, एनहाइड्रस कंडीशन में ये मिलता है. ये भी लेस कॉमन. एनहाइड्रस जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह में, एंडोस्पोर्स वगैरह में एडियन है. मोस्ट कॉमन है मीडियन. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड वी हैव डन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टूडे. बेटा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या पीएच को चेंज कर दें, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर विल यू कैन से डिटेरिएट, खराब हो जाएगा. लाइक अगर हाईली फोल्डेड प्रोटीन है और हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं या जितने भी एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, दे वर्क अंडर 37 degrees Celsius. तो अगर हम टेम्परेचर इससे ज़्यादा कर देते हैं, सो इट विल अनफोल्ड हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन हो जाएगी वहाँ पर, डीनेचुरेशन. गॉट इट? और अगर पी एच चेंज कर दे तब भी डीनेचुरेशन हो जाएगा. दिस इज़ द रीज़न. अगर आप मिल्क, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मिल्क एंड इफ यू पुट सम लेमन ड्रॉप्स इन इट एंड पुट इट ऑन हाई टेम्परेचर, सो वट विल हैपन, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क विल सेपरेट आउट और इन और क्वेगुलेट्स. ठीक है, पनीर बन जाएगा और वे जो है अलग हो जाएगा. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द चेंज इन पी एच, चेंज इन टेम्परेचर लाइक दैट. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. इफ यू लाइक दीज टाइप्स ऑफ वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस next topic, that will be in lecture number 5. And moreover, I will give the links of lecture number 1, 2 and 3 in the description box of this lecture. Okay, so goodbye everyone, stay tuned.